बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। नाइन्थ क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर दो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले, जहां पर आपको रिटर्न के अंदर जो है जवाब मिलेंगे। आप उसको अच्छी तरीके से देख कर याद कीजिए और जो है एक्टिविटी मुकम्मल कीजिए। ये एक्टिविटी 18 से 14 के ऊपर जो है ये टेस्ट दिया जाने वाला है। तो चलिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। ये टेस्ट जो है 30 मिनट का होगा। टोटल मार्क्स जो है आपको इसमें 15 हैं और यहाँ पर हिदायत दी गई है कि तमाम सवाल हल करना है आपको। लेफ्ट साइड में जो है मार्क्स दिए हुए हैं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आपको नामजद जो है शक्ल बनानी है। तो चलिए टेस्ट नंबर दो देखते हैं। पहला सवाल है जेल के सवालात के जवाब लिखिए, जो तीन नंबर के लिए आपको जो है पूछे जाने वाले हैं। पहला सवाल है ऑक्सीजन OA इस उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जाहिर करने वाला खाका बनाएं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका जौहरी अदद 8 है, इसका एक खाका आपको तैयार करना है। बहुत ईजी है, ये रहा आपके सामने, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2.6 है, यानी पहले मदार में 2 आएंगे, दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरीके से जो है इसकी खाका हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका मरकज़ा है, मरकज़ा किसका, ऑक्सीजन का, और इस मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और यहाँ पर ये मदार है, मदार के अंदर क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके गर्दिश करते हैं। पहले मदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मदार के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 6 और 2, 8, इस तरीके से ऑक्सीजन का खाका ये और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको यहाँ पर दिखाई गई। इस तरीके से नोट डाउन कीजिए। शक्ल दी गई है, देखिए बच्चों दी गई तस्वीर में नज़र आने वाले माहौल निज़ाम का नाम लिखिए, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक घास का मैदान दिखाई दे रहा है, जिसमें जिराफ और जो है दूसरे जंगली जानवर जो है गिज़ा हासिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये घास के मैदान का जो है माहौली निज़ाम मौजूद है। इस तरीके से लिखिए घास के मैदान। और तीसरा सवाल आपके सामने, इस माहौली निज़ाम के दो इब्तदाई सारफीन, इब्तदाई सारफीन कहते हैं जो गिज़ा साज पर मुनसिर होता है, सब्ज़ी खोर को इब्तदाई सारफीन हम कहें। तो यहाँ पर घास खाने वाले कौन से जानवर हैं, तो देखिए इस फोटो के अंदर, इस तस्वीर के अंदर आपको जो है जिराफ नज़र आ रहा होगा, हरन नज़र आ रहे होंगे, ये जो है आपको लिखना है। तो आप लिखिए जिराफ, हरन, टिड्डा वगैरह, ये इब्तदाई तारफीन हैं। तो इस तरीके से आप 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि एक जुमले में जवाब दीजिए, जसामत के लिहाज से दिए गए जानवर के नाम चढ़ती तरतीब में लिखना है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया, फफोंद, वायरस और काई, तो इनके जो है साइज, अब आपको जो है सबसे छोटा जो है कौन सा जानदार है इसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायरस सबसे छोटा जो है जानदार है। सबसे पहले वायरस आएगा, दूसरा इससे थोड़ा सा साइज में बड़ा जो है बैक्टीरिया होता है, और उससे जो है बड़ा फफोंद, और उससे बड़ा जो है काई हमको नज़र आता है। तो वायरस, बैक्टीरिया, फफोंद और काई, इस तरीके से आप इसको चढ़ती तरतीब के अंदर इनके साइज के हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद जो है हमगिरफ बंदिश किस तरह बनती है, तो आपको मालूम है कि बंदिश इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनती है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन से जो बनती है उसे हम आयनी बंदिश कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की वजह से बनने वाली बंदिश को हमगिरफ बंदिश कहते हैं। तो इसका जवाब आप यूँ लिखेंगे कि हमगिरफ बंदिश पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसकी वजह से बनने वाली बंदिश हमगिरफ बंदिश बनती है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी मिसाल जो है अमोनिया है NH3, पानी है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इस तरीके से आप जो है मिसालें भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन यात्री बंदिश पूछा है इसलिए हमने मिसालें नहीं लिखी। अगला सवाल आपके सामने जो है, समय पहले इसकी जो है वीडियोस को लाइक कर दें, 100 लाइक्स हो गए तो जो है हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे। इख्तबास पढ़कर पूछे गए सवाल आपके जवाब, देखिए बहुत आसान है। राजू 6 साल का लड़का है, वो अपने ख़ानदान के साथ एक देहात में रहता है, एक गांव में रहता। इसके वालिद एक कारखाने में काम करते, 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त से उन्हें खांसी है,
और अब उनके थूक से खून भी दाहिर हो रहा है और इनका वजन भी घट चुका है। तो यहाँ पर जो है राजू के ख़ानदान की कैफियत बताई जा रही है। उनके वालिद 2 हफ्तों से जो है बीमार हैं, खांस रहे हैं, खून भी आ रहा है। अब इसके ऊपर आपको जो है जवाब लिखने हैं, राजू के वालिद कौन से मर्ज, कौन सी बीमारी में मुब्तला है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जिस किसी को जो है खांसी हो और वो 2 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए और उस खांसी के साथ साथ जो है थूक के साथ खून भी जाहिर होने लगे, तो ये मर्ज जो है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का मर्ज होता है, बीमारी होती है ना। और ये जो है मुतअद्दी मर्ज है, ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरा सवाल है, ऐसी हालत में राजू के वालिदैन की आप किस तरह मदद करोगे। तो बच्चों देखिए, हमेशा जो है दूसरों की मदद हमको करते रहनी चाहिए और ऐसे हालात में तो जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है राजू के वालिदैन की मदद करें। तो आप हमदर्दी कर सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, साथ ही आप जो है हम राजू के वालिदैन को माली मदद करेंगे ताकि वो उनसे दवाएं ख़रीद सके, खाना ख़रीद सके, इंतज़ाम कर सके और जो है राजू की भी पढ़ाई जो है वो जारी और सारी रह सके। तो इस तरीके से आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है, हमारा चैनल हासिल इल्म को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सवाल है, गिज़ाई तंजीम मुकम्मल कीजिए। आपको जो है ये 1 नंबर के लिए है, जहाँ पर घास को नाक तोड़ा खा रहा, ठीक है, नाक तोड़ा ने क्या किया, घास को खाया, तो नाक तोड़ू कौन खाएगा। तो यहाँ पर जवाब है, घास को नाक तोड़ा, नाक तोड़ू को मेंढक और मेंढक को सांप ने। तो इस तरीके से हम लिख सकते कि घास, नाक तोड़ा, मेंढक और सांप, इस तरीके से गिज़ाई तंजीम मुकम्मल होती है, 1 नंबर आपको इसमें मिल जाता है। क्या होगा बताइए, पीतल या तांबे के बर्तन में छाछ या दही रखने पर क्या होगा। तो आपको मालूम है कि तांबा जो छाछ होती है या दही होता है वो खट्टा होता है, खट्टा यानी उसमें तेज़ाब है, और तेज़ाब जब तांबे के साथ कीमियाई तआमुल करता तो जहरीला मादा जो है तैयार होता है। यूँ लिख सकते हैं हम कि छाछ या दही ख़राब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी और ऐसी जो है छाछ या दही से नुकसान भी पहुँच सकता है, वो जो है हरा कलर जो है हो जाएगा, इसमें हम आपको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सालमी ज़ाबता लिखने के मराहिल लिखें। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सालमी ज़ाबते किस तरीके से बनाए जाते हैं आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब ये 2 नंबर के लिए आपको तफसीलन जो है मरहलावार लिखना है। तो आपके सामने ये रहा कि तिरछे ज़रब के तरीके से सादा मुरक्कब के सालमी ज़ाबते लिखना, उसके लिए पहला मरहला क्या है कि उनसर की अलामत लिखेंगे। तो उनसर की अलामत क्या है, मैग्नीशियम है Mg और यहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया है, मैग्नीशियम और यहाँ पर क्लोराइड यानी क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपने लिया। उसके बाद दूसरे मरहले में इन सर के नीचे उनकी ग्रिफ्ट लिखना है आपको, तो आपने मैग्नीशियम के नीचे उसकी ग्रिफ्ट लिखे 2, क्योंकि मैग्नीशियम का जौहरी अदद है 12, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, तो यहाँ पर इसकी ग्रिफ्ट बन जाती है 2, जबकि क्लोरीन की ग्रिफ्ट 1 है, कैसा, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, क्योंकि इसका जौहरी अदद है 17, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसकी ग्रिफ्ट 1 है। तो मैग्नीशियम की ग्रिफ्ट 2 है, क्लोरीन की ग्रिफ्ट 1 है, इसलिए हमने मरहला 2 के अंदर इस तरीके से लिखा। उसके बाद मरहला 3 के अंदर तीर के निशान के मुताबिक तिरछी ज़रब लगाएंगे, इसकी टोपी उसके सर, क्लोरीन की टोपी मैग्नीशियम के सर, मैग्नीशियम की टोपी क्लोरीन के सर, तो मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2। इस तरीके से चौथे मरहले में जो हमारे पास ज़ाब्ता हासिल होता है वो Mg1Cl2, ये देखिए इसकी टोपी उसके सर, Mg1Cl2, ये मुरक्कब हमारे पास जो है ज़ाब्ता, सालमी ज़ाब्ता यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस तरीके से पांचवे मरहले के अंदर अगर जो है वो ये बताया गया है कि भाई 4 में ज़ाब्ते को मुनासिब अदद से तकसीम कर सकते हैं, अगर वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल दीजिए, तो इस तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ते के मराहिल लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 7 जो 2 नंबर के लिए पूछा गया है, दिए गए जानदारों को इब्तदाई हैवान और फफोंद में जमात बंद करना है। तो यहाँ पर इब्तदाई हैवान और फफोंद जो है दोनों हिस्सों में इसको तकसीम करना है, पेनिसिलियम, अमीबा, पैरामीशियम और मशरूम। तो इब्तदाई हैवान की जो अंदर जो है आपको अमीबा और पैरामीशियम लिखना है, क्योंकि ये इब्तदाई जानदार, ये एक खलिए से बने हुए हैं अमीबा और पैरामीशियम, तो आप इसको इब्तदाई हैवान में लिखेंगे। जबकि पेनिसिलियम
और मशरूम ये जो है फकोन की किस्म है, इसलिए आप इसको इधर लिखेंगे। यही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई तस्वीर में वाक़ होने वाले हादसे का माहौल पर असर जो है होने वाला असर लिखिए दो नंबर के लिए बच्चों। तो शक्ल के अंदर आप जो है देख सकते हैं कि क्या हुआ, जंगल में आग लगी है, और जब जंगल में आग लगती है तो तबाही ही तबाही मच जाती है। जैसे ब्राज़ील के अंदर जो है आग लगी थी जंगल के अंदर, और उसी तरीके से जो है कुछ हाल ही के अंदर तुर्की के जो है जंगल के अंदर आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी। तो ये जब आग लगती है तो ये ऐसे फैलती है जैसे व्हाट्सएप से जो है फेक न्यूज़ जो है फैल रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि मुंदाज बाला तस्वीर में जंगल में आग लगी है जिसकी वजह से जंगलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है, इसकी वजह से हवा आलूदा होती है, जंगली जानवर मर जाते हैं, है ना, और उसके बाद जो है जो जंगलाती निज़ाम होता है वो दरम भरम हो जाता है। ऐसे आप जो है मज़ीद इसमें लिख सकते हैं। तो ये था हमारा जो है आज का टेस्ट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर पसंद आ गया है तो जो है शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही मोर वीडियोस को जो है आपको मिलते रहेंगे, एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। और पसंद अगर आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि आपको हर न्यू वीडियो जो है वो देखने को सीखने को मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।